सीरीज एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ आपको क्लियर है जस्ट तो हैं यूनियन लेजिस्लेचर को ये वीडियो का पार्ट वन है यानी कि इसके बाद पार्ट टू भी आएगा जिसमें कि हम डिफरेंट बिल्स की बात करेंगे लेक्चर का डिस्कशन कुछ इस प्रकार होगा हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे व्हाट इज यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट और उसके बाद डन की वर्ड्स विच आर यूज इन पार्लियामेंट प्रोसेस सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्वालिफिकेशन डिस्कालीफिकेशन वैकेशन ऑफ सीट्स सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर चेयरमैन पार्लियमेंट्री प्रिवलेजेस पार्लियामेंट से आप एक से दो क्वेश्चन हर बार देखते हैं प्रस में, में भी यहां से क्वेश्चन आता है मीस में, में एक सिचुएशन स्टूडेंट के सामने होती है अगर आपसे कहा जाए डिस्कसेंट फीचर्स ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम तो ऐसे में पार्लियामेंट के फीचर्स को डिस्कस करने के लिए, के लिए कह रहा है तो कई बार स्टूडेंट्स को की पॉइंट पता होते हैं फीचर्स के बारे में लेकिन वेन इट कब्स टू डिस्कस डिस्कस में क्या लिखें तो ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि जब भी कोई आप फीचर पढ़ें तो एक एंगल तो होगा कंपेरिजन वाला दैट यू कैन मैंशन मीन्स इफ इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम इज इंस्पायर फ्रॉम ब्रिटेन तो ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम और इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ डिफरेंस तो होगा किसी एक पर्टिकुलर फीचर में आप उसको मेंशन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर उस फीचर के फायदे को बता सकते हैं benefit, क्या benefit है? तो है कंपैरिजन क्या, क्या है? बेनिफिट तो और एप्लीकेशन एप्लीकेशन में उस फीचर से रिलेटेड कुछ अदर डिटेल्स उसके बारे में बता सकते हैं मतलब क्या हुआ जैसे अगर पार्लमेंट्री सिस्टम ये कहा जाए कि वॉट द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश पार्लियमेंट सिस्टम एंड इंडियन पार्लियमेंट सिस्टम तो सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने इंस्पायर जरूर हुए हैं ब्रिटेन से लेकिन हमारे सिस्टम में और उनके सिस्टम में डिफरेंस है तो अगर इस तरीके से थोड़ा सोचकर चलेंगे तो की आपके दिमाग में रहेंगे एग्जाम्पल देता हूँ जैसे इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम एक ये हारमनी को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन लेजिसलेचर एंड एग्जीक्यूटिव वाई आम यूजिंग द वर्ड द रीजन इज क्योंकि हमारी जो मिनिस्ट्रीज होते हैं तो जो उसमें मिनिस्टर होते हैं जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कहाँ से डिराइव होते हैं वो लेजिस्लेचर से डिराइव होते हैं यानी कि ओवरलैप होता है राइट right? इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूटिव में अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर इवन इफ दैट पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा बट

ग्राउंड पर जरूरत का सबसे बेहतरीन जो रिफ्लेक्शन होता है वो इस बात से होता है कि किस सरकार को जनता ने चुना है तो लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर यानी कि में में भी लोकसभा लोकसभा जिसकी बहुमत उसी की सरकार एग्जीक्यूटिव अब जो उसने मैनिफेस्टो में वादे किए हुए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए उसको कानून चाहिए कानून कहां से बन जाएंगे लेजिस्लेचर से बन जाएंगे इंप्लीमेंट कहां से हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव से हो जाएंगे और अगर कहीं पर गैप है एग्जीक्यूटिव के काम में तो क्वेश्चन कहा उठा लिए जाएंगे लेजिसलेचर में उठा लिए जाएंगे तो आप हार्मोनियस ब्लेंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है एग्जीक्यूटिव के पास पावर रहती है रियल पावर एक्चुअली सरकार तो एग्जीक्यूटिव ही है राइट लेकिन अल्टीमेटली चेक ये रखता है यहां पर आप सिक्स की ध्यान रखिएगा पी और आई मतलब क्या है सबसे पहले तो हमारा लेजिस्लेचर ही प्रोवाइड करता है हमें कैबिनेट कैबिनेट ऑब्लिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्योंकि प्रोवाइड क्यों क्योंकि जिसकी मेजोरिटी लोकसभा में आएगी तो लोकसभा ही तो प्रोवाइड कर रही है कि देखिए कौन हमारे देश में सरकार बनाएगा तो प्रोवाइड करती है दूसरा कंट्रोल करती है कंट्रोल क्यों क्योंकि छोटा तो कॉम्पोनेंट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो तभी तक रहेगी जब तक कि उसके पास मेजोरिटी है लोकसभा में राइट right? क्रिटिसिज्म क्योंकि क्वेश्चन भी करती है चेक भी रखती है कि भाई आपने क्या किया इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तो दैट चेक इज नेसेसरी टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी आई इंफॉर्मेशन ये कहा जाता है कि लोकसभा राज्यसभा प्रेस से ज्यादा इंफॉर्मेशन इल्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट मतलब क्या हुआ प्रेस के सामने कोई सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कोई मिनिस्टर जो बात बोलता है हो सकता है वो ऑथेंटिक ना हो लेकिन जो बात पार्लियामेंट में बोली जाती है वो ऑथेंटिक होती है डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए अगर किसी मिनिस्टर ने जो डेटा दिया है या जो बात बोली है पार्लियामेंट में वो बेसलेस है उसको सपोर्ट करने के लिए फैक्ट नहीं है डिपार्टमेंट के पास तो ऐसे में उस मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ जाएगा प्रिविलेज मोशन उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी उसको जवाब देना पड़ेगा फिर पार्लियामेंट की कमेटी के सामने प्राइम मिनिस्टर पर भी दबाव बनाया जाएगा कि किस तरीके से आपकी सरकार चल रही है इफ यू आर गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन तो सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अगर पार्लियामेंट के पास होती है तो वो इंफॉर्मेशन डिससेमिनेट हो सकती है आम जनता में मुझे बताइए जो डेमोक्रेसी है जब हम कहते हैं डेमोस लोगों का तंत्र लोगों की सरकार तो लोग तो अपना फैसला तभी ले सकते हैं जब लोगों को सही जानकारी हो तो अगर डिबेट चल रही है पार्लियामेंट में और उस डिबेट में बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी हम निकलवा पा रहे हैं एग्जीक्यूटिव से तो वो जानकारी जनता तक पहुँच सकती है कैसे लोकसभा राज्यसभा सबारा चैनल तो एक कॉम्पोनेट हो गया इसके बाद फिर इन्हीं जवाबों के आधार पर हमारी जो मीडिया है वो इन बातों को कवर करती है लेजिस्लेशन ये तो सबसे बेसिक काम है कानून बनाना और लास्ट फाइनेंशियल कंट्रोल जो कॉन्सोलेटेड फंड ऑफ इंडिया है जो भारत की संचित निधि है उसमें से एक रुपया भी बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के खर्च नहीं हो सकता यानी कि पार्लियामेंट से आपको एज अ बिल उसको पास कराना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल अवर बजट राइट right? एक कानून ही तो है तो यहां पर भी हमारे लेजिस्लेचर का रोल है तो आई थिंक ये सिक्स पॉइंट तो आपको याद रहेंगे राइट right? एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर प्लीज एनलाइटन अबाउट मेकिंग शॉर्ट नोट्स एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स इफेक्टिव फॉर प्रिलिम्स देखिए शॉर्ट नोट्स का एक फीचर है कि, कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में जितनी सब हेडिंग्स जितनी हेडिंग्स हैं सब हेडिंग्स हैं जो कीवर्ड्स हैं वो आपके शॉर्ट नोट्स में मौजूद होने चाहिए क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो ट्रैप बनाती है वो उन्हीं हेडिंग सब हेडिंग से होकर बनाती है आप में कॉन्फिडेंस भी होगा अगर जैसी मैं वर्ड यूज़ करूं पार्लियामेंट तो कटाक से आपके दिमाग में आने लग जाना चाहिए अच्छा पार्लियामेंट सबसे पहले तो बेस की बात करेंगे पार्लियामेंट इज एन आइडिया की बात करेंगे इंडिया में क्यों है इसकी बात करेंगे इंडिया में क्या उसके फीचर्स हैं इसकी बात करेंगे फिर आगे चलेंगे तो ये जो की वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये की वर्ड्स आपके फुट नोट्स में मौजूद होने चाहिए रिविज़न आपके लिए फास्ट हो जाएगा पार्लियामेंट का मतलब होता है कि यहां पर हम प्रेजिडेंट लोकसभा राज्यसभा इन तीनों पिलर्स की बात करते हैं ध्यान रखिएगा प्रेजिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ठीक है अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हम तो नहीं मानते नहीं मानते अब मान जाएंगे पार्लियामेंट का काम है टू मेक लॉ ये तो आप जानते हैं राइट यानी कि यहां पर एक बिल प्रपोज किया जाता है उसको जब आप एक्ट में तब्दील कर देते हैं तभी एज अ लॉ वो इंप्लीमेंट होगा ग्राउंड पे लेकिन बिल से एक्ट कन्वर्जन कैसे होगा यहां पर आपको प्रेसिडेंट के साइन की जरूरत पड़ती है तो एवरी बिल कैन टर्न इन टू एन एक्ट ओनली वेन प्रेजिडेंट साइन इज प्रेजेंट देयर आप कहेंगे सर मान लीजिए प्रेजिडेंट की डेथ हो जाए प्रेजिडेंट रिजाइन कर दे प्रेजिडेंट का पद खाली है तो क्या ऐसे में कोई बिल एक्ट नहीं बन सकता देखिए कभी भी प्रेसिडेंट का पद खाली नहीं होता जैसी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो ऑटोमेटिकली अदर पोजिशन फॉर एग्जाम्पल वाइस प्रेजिडेंट एक्ट एज एक्टिंग प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट नहीं तो सीजीआई एक्ट एज एक्टिंग प्रेजिडेंट तो यानी कि प्रेजिडेंट की पोजिशन कभी खाली नहीं होती और इनके साइन के बिना कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता इसके अलावा अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों सेशन में नहीं है या एक सेशन में नहीं है यानी कि उसका सत्र नहीं चल रहा तो कैसे कोई बिल पास होगा भाई तो इस केस में अगर बहुत ही जरूरी है कोई बिल को लॉ की तरह इंप्लीमेंट कराना तो एक टेम्पररी लॉ रूट हमारे पास होता है जिसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो उस पर साइन करके टेम्पररी उसको लॉ की तरह लागू कर दें लेकिन जैसे ही दोबारा ये सेशन में आते हैं लोकसभा सब राज्यसभा फिर आपको वहां से भी उसको पास कराना पड़ता है ये मैं फर्दर अभी जब लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूंगा उसमें मैं डिटेल में इसको बताने वाला हूं तो आपको पता लग गया कि प्रेजिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट अगर मैं कहूं कि प्रेजिडेंट इज कंसिडर्ड एज मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ क्या वो सही होगा गलत होगा एक गलत होता है एक सरासर वो सरासर गलत होगा क्योंकि मैंने इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात करी मैंने लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं करी राइट तो प्रेसिडेंट लोकसभा की मेंबर नहीं है प्रेसिडेंट राज्यसभा की मेंबर नहीं है अरे आप खुद ही लॉजिकली सोचो कि जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो टॉप मोस्ट पोजीशन है इंडिया की और लोकसभा में टॉप मोस्ट पोजीशन कौन सी होती है स्पीकर राज्यसभा में कौन सी होती है चेयरमैन जो कि एक होती है वाइस की तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लोकसभा में हेड जो है स्पीकर साहब हैं और वहां पर आप एज अ मेंबर किसको बैठाने की कोशिश कर रहे हो प्रेजिडेंट साहब को ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता राइट right? क्योंकि अरे प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट राइट हाउस ऑफ पीपल को ही हम लोकसभा कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट को हम राज्यसभा कहते हैं अपर हाउस भी कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट को हाउस ऑफ पीपल को हम लोअर हाउस कहते हैं राइट right? अगर मैं कहूं कि फर्स्ट हाउस किसको कहते हैं फर्स्ट हाउस राज्यसभा होगा कि लोकसभा होगा आप बताएंगे जरा वट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट हाउस देखिए हाउस ऑफ पीपल इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट हाउस ठीक है आप सोचेंगे अपर हाउस तो उसको फर्स्ट हाउस कह देंगे नहीं क्योंकि अभी आप पार्लियामेंट वाले चैप्टर में देखेंगे कि कितनी जगह पर वरता यानी कि प्रेफरेंस लोकसभा को दी गई है कुछ ऐसे बिल्स जो केवल लोकसभा में ही फर्स्ट इंट्रोड्यूस हो सकते हैं सरकार भी कहां से बनती है लोकसभा से बनती है ठीक है नाउ प्रेसिडेंट तो एक बात पता लग गई पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर है लेकिन पार्लियामेंट में बैठते नहीं है केवल जब कोई नई लोकसभा बनती है

मेंबर और दो सौ अड़तीस में पांच सौ पचास पहले पांच सौ बावन टू होता था दो एंग्लो इंडियन था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेनमेंट एक्ट 104 के द्वारा अब वो दो एंग्लो इंडियन वाला रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है, तो अब मैक्सिम पांच हो सकता है पांच में से पांच स्टेट से और बीस यूटीज से यूनियन टेरिटरी से में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं यानी कि आम जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती राज्यसभा के इलेक्शन में राज्यसभा नाम से पकड़ लीजिए राज्यसभा इसको एक फेडरल चैंबर भी कहा जाता है फेडरल चैंबर क्यों क्योंकि राज्य यानी कि स्टेट्स के जो एम होते हैं वो वोट डालते हैं कि कौन उनके स्टेट से राज्यसभा में मेंबर होगा राइट तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है आपने एमएलए को चुना और एमएलए जो है राज्यसभा मेंबर्स को चुन रहे हैं प्रपोशनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट ये मेथड यहां पर होता है ये वही मेथड है याद कीजिए जो इससे पहले मैंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोशन रिप्रेजेंटेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल रिप्रेजेंट सिंगल ट्रांसफर वोट रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन इस वजह से शब्द यूज किया बहुत ही आसान भाषा में बताऊं आपको कि बेसिकली uh, जो क्राइटेरिया है इट इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन अभी जब मैं आपको बताऊंगा कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिफरेंट स्टेट्स तो उसमें लॉजिक फर्दर आपको समझ में आ जाएगा लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर बैलेट पेपर पर होता चुनाव यहां पर ईवीएम मशीन नहीं होती यहां पर देनी होती है कॉन्स्टिटेंट असेंबली में डिबेट चल रही थी तो यहां पर ये निष्कर्ष निकला कि देखो राज्यसभा में ये हम चाहते हैं कि राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करे तो वहां पर तो हम मानकर चल रहे हैं सच काइंड ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी देयर हु कैन एक्चुअली गिव प्रेफरेंसेस क्योंकि सिंगल ट्रांसफर वोट में क्या होता है प्रेफरेंस देनी होती है वन टू थ्री एक बैलेट पेपर पे चार लोगों के नाम लिखे हैं उन चारों में से पहले आप किसको चाहते हैं दूसरा आप किसको चाहते हैं तीसरा किसको चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट चॉइस है उसके हिसाब से आपकी वोट काउंट होगी अब जिसकी फर, जिसको आपने फर्स्ट चॉइस दी थी अगर उसका किस्मत ही खराब है उसको वोट ही नहीं मिले वो सबसे लास्ट आया है तो जाहिर सी बात है वो तो गया उसके बाद अगर अभी भी कोई चुना नहीं गया तो उसके बाद आपके सेकंड प्रेफरेंस को काउंट किया जाएगा कि जरा देख लो सेकंड प्रेफरेंस आपकी कौन थी तो सिंगल ट्रांसवेल वोट मेथड का इस्तेमाल होता है राइट right? आप सोचिए कि दिस नॉट इन केस ऑफ लोकसभा लोकसभा में भी इसी को यूज कर लेते वोट वेस्टेज कम हो जाती यानी कि सेकंड मौके में कम से कम आपकी सेकंड प्रेफरेंस को ध्यान में रखकर आपका वोट तो ट्रांसफर किया गया था किसी कैंडिडेट के, के लिए तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं किया गया एक लॉजिक दिया गया कि देखो हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज ला रहे हैं भारत में यानी कि अट्ठारह साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति जो वोटिंग लिस्ट में है नागरिक है वो वोट डाल सकता है एंड वी कूड नॉट एक्सपेक्ट ऑल द ऑल द इंडियंस और मेजोरिटी ऑफ इंडियंस टू एक्चुअली बी लिटरेट कि वो वन टू थ्री बिल लिख सकते हैं इस बात को समझ सकते हैं वो इतनी बात समझ सकते थे उस टाइम पर तो बैलेट पेपर होता था कि भाई ये मेरे चॉइस का कैंडिडेट है चलो यहां पर मैं अपना स्टैंप लगा देता हूँ यानी कि इसको मैं मान लेता हूँ कि मेरी वोट इसको जा रही है तो यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन रखा गया ये कहा गया कि ये सबसे सूटेबल ईजी मेथड है यहां पर टाइम ज्यादा लगता है वोटिंग में टाइम ज्यादा यहां पर डायरेक्ट काउंट कर सकते हो कंसिडरिंग द साइज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ये यहाँ पर हाउस ऑफ पीपल पर ज्यादा सूटेबल लगा यहां पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का इस्तेमाल हुआ इसका मतलब यह होता है ऐसा समझ लीजिए फर्स्ट पास पोस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में हंड्रेड कैंडिडेट्स हैं हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं ये हंड्रेड स्टूडेंट्स एक तरीके से जनता है इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिटुंसी की हमने एक मॉनिटर का चुनाव कराया और मॉनिटर के चुनाव में जैसे कि यहां पर अंशुल खड़े हुए और एंड संजीव अब हुआ क्या कि जैसे पता लगा कि आप लोग चुनाव में खड़े हुए हो तो फोर्टी स्टूडेंट्स तो आए नहीं वोट डालने उन्होंने कहा हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ये एबसेंट हो गए तो इन्होंने तो वोट डाली नहीं ठीक है अब बचे सिक्सटी सिक्सटी वोट डालने आ ही रहे थे उनमें से थर्टी जो है वो कहीं रेस्टोरेंट में चले गए ठीक है तो बेसिकली ये भी एबसेंट ही हो गए ठीक बचे केवल थर्टी थर्टी ने वोट दी है थर्टी में से मान लीजिए सिक्सटीन वोट जो है अंशुल को मिल गई बाकी वोट जो थी फोर्टीन फोर्टीन में से सेवन इनको मिल गई या एट इनको मिल गई और सिक्स इनको मिल गई एट और सिक्स तो यानी कि चुनाव कौन जीत गए हैं अंशुल जीत गए लेकिन आपको नहीं लगता कि ये फर्स्ट पास द पोस्ट है फर्स्ट पास द पोस्ट क्यों कहा क्योंकि जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा तो उस समय सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वोट्स हैं वो किसके पास गई तो मैक्सिमम वोट्स अंशुल के पास चली गई लेकिन इसको हमने लेस रिप्रेजेंटेटिव इसलिए कहा कि यार देखा जाए तो केवल सिक्सटीन लोग चाहते हैं क्लास में से कि अंशुल हमारा लीडर बने बाकी लोग तो चाहते ही नहीं है लेकिन फिर भी अंशुल सबका लीडर बन गया तो इस वजह से कहा गया कि ये लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव है फर्स्ट पार्ट फोर्थ सिस्टम जबकि इससे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल सिस्टम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वोट क्योंकि उसमें अगर आपकी ट्रांसफर होने का भी स्कोप है अगर आपने जिसको पहली प्रेफरेंस दी वो नहीं जीता वो नहीं जीत रहा है तो सेकंड प्रेफरेंस को भी काउंट किया जाएगा राइट लेकिन ये वाला मेथड इजी है टाइम इसमें कम लगता है रिसोर्सेज कम खर्च होंगे तो हमने ये वाला मेथड लिया क्योंकि जनता पर भी तो डिपेंड करता है ना जनता हमारे पास ऐसी है कि नहीं जो समझती है इसको तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी अब टेरिटर कांस्टेंसीज की बात करते हैं कोशिश की गई है कि यूनिफॉर्मिटी हो रिप्रेजेंटेशन की मैंने वर्ड यूज किया कोशिश क्योंकि ये माना गया कि बेस्ट प्रैक्टिकल जो हो सकता है वो करेंगे यानी कि जैसे राज्यसभा है तो अगर हम यूएस के अपर हाउस में देखें तो पर स्टेट से दो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव हैं हर स्टेट से दो रिप्रेजेंटेटिव यूएस के फेडरल चैम्बर में है तो एक तरीके से इक्वल ऐसा है नहीं हमने फिर भी यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करी है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन अगर उत्तर प्रदेश का साइज बड़ा है तो वहां पर मैक्सिमम सीट उत्तर प्रदेश को मिली है राज्यसभा में दैट इज थर्टी वन नागालैंड का साइज छोटा है तो नागालैंड के पास केवल एक सीट है राज्यसभा में सो बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिटुएंस इन द सेम स्टेट यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई लेकिन क्राइटेरिया क्या है पॉपुलेशन राइट right? कि भाई जितनी परसेंट पॉपुलेशन है मतलब जितनी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की उसके अनुपात में उसके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए राज्यसभा में ऐसे ही अगर मैं इवन uh, एम की सीट की बात करूं तो एम की सीट में भी जो कॉन्स्टिसी है वो इस आधार पर बनाई जाती है कि भाई पॉपुलेशन के बेसिस पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन ना हो यानी कि ऐसा ना हो कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में तो दस करोड़ पॉपुलेशन पर एक एमपी है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मात्र पचास लाख पॉपुलेशन पर एक एम पी है तो जो जो uh, का डिलिमिटेशन uh, होता है उसका आधार पॉपुलेशन होता है ना कि एरिया ध्यान रखिएगा यूपीएससी ट्रैप करने की कोशिश करेगी आपको इस बात में इसी बात को आर्टिकल 81 में समझाया गया जो बात मैंने अभी आपको समझाई है बी टू ईच स्टेट अ नंबर ऑफ ऑफ सीट्स इन द द हाउस पीपल इन सच मैनर अगर हाउस ऑफ द पीपल की बात करें मीन्स लोकसभा की बात करें दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर एंड द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज सो फार प्रैक्टिकल प्रैक्टिकेबल द सेम फॉर ऑल स्टेट मतलब लोकसभा की जो सीट है उत्तर प्रदेश में और गुजरात की जो सीट है उत्तर प्रदेश में वो वहां पर पॉपुलेशन के आधार पर होगी आपने सुना होगा एक बात कि भाई दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है दिल्ली की राजनीति का रास्ता मोदी जी ने भी गुजरात से भी चुनाव लड़ा था 2014 में लेकिन कहां से भी लड़ा था यूपी से वाराणसी से माना गया कि यूपी में वाराणसी से लड़ेंगे तो आसपास की कई सारी जो कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं लोकसभा की वो तो फेवर में आ ही जाएंगी तो दैट इज द क्राइटेरिया ईच स्टेट शेल बी डिवाइडेड इंटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसीज मतलब कितने एरिया uh, पर एक एमपी होगा लेकिन एरिया क्राइटेरिया नहीं होता क्या होता है पॉपुलेशन पॉपुलेशन इन सच मैनर दैट रेशियो बिटवीन द जो आपको एग्जांपल दिया कि भाई दस करोड़ जनता पर एक एमपी और दस लाख तो पचास लाख पर एक एमपी ऐसा नहीं होगा क्या होगा बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच एंड द नंबर ऑफ सीट्स एलोटेड टू इट सो फॉर सो फार प्रैक्टिकेबली वो सेम होनी चाहिए राइट right? तो रिप्रेजेंटेशन सेम होना चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि यहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम नहीं होता अब ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा एंड लेजिस्टिव काउंसिल जो आपकी जिन स्टेट्स में लेजिस्टिव काउंसिल होती है वहां पर भी प्रपोशनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि स्टेट में जो एम चुने जाते हैं प्रपोशनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफर बता चुका हूं आपको नाउ वाई प्रपोशनल रिप्रेजेंटेशन वॉज अडॉप्टेड अभी जो आपको जानकारी दी थी क्योंकि आम जनता मतलब ये मानकर चला जाता है ना कि भाई लार्ज स्केल पर लिटरेसी होगी तो अगर हम राज्यसभा में इसको मान रहे हैं तो पॉसिबल है क्योंकि राज्यसभा में नंबर ऑफ पीपल वर गोइंग टू वोट वो, वो, वो हैं राइट लेकिन हाउस ऑफ पीपल में तो 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 सब कुछ हर कोई जनता है तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सूटेबल तो था पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए फ्रेगमेंटेशन होता है लेश लेजिसलेचर के इंटू नंबर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स अगर हम हाउस ऑफ पीपल में मान लीजिए इसको रख लेते तो हाउस ऑफ पीपल में रख लेते तो एक तो डिफिकल्टी थी प्रोसेस बहुत बड़ा था और इससे एक क्लियर मेजोरिटी आने की संभावना कम हो जाती है और क्लियर मेजोरिटी की संभावना कम तो यानी कि सरकार अनस्टेबल हो सकती थी अभी हमें पता है कि भाई हमें देखना नंबर ऑफ एम और नंबर ऑफ एमपी कैसे पता लेगा कैसे चुना जाएगा कि जिस कॉन्स्टिट्युंसी पे वो चुनाव लड़ रहा है तो मैक्सिमम वोट उसको मिली है कि नहीं मिली है तो क्लियर श्योरिटी है ये राइट डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का कहना था कि जो ये सरकार बनेगी वो वेलफेयर करेगी या नहीं करेगी उससे पहले जरूरी है कि वो स्टेबल रहे और स्टेबल रहने के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉर द हाउस ऑफ पीपल वॉज अ गुड आइडिया स्टेबल गवर्नमेंट होना जरूरी है काउंसिल ऑफ स्टेट ये एक परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है यानी कि कभी डिजोल्व नहीं होता राइट आप कहेंगे डिजोल्व का क्या मतलब होता है डिजोल्व का मतलब होता है जैसे कि लोकसभा पाँच साल के लिए चुनी गई पाँच साल से पहले भी डिजोल्व हो सकती है

एवरी सेकेंड ईयर तो अगर हो हर दो साल में वन थर्ड मेंबर जा रहे हैं उनकी जगह नए आ रहे हैं तो एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन या सिक्स ईयर्स होता है इस लॉजिक के हिसाब से क्योंकि भाई एक तिहाई गए और हर दो साल में जा रहे हैं तो जो अभी चुना जाएगा उसका नंबर तो छः साल बाद आएगा दोबारा राइट right? उस सीट पर चुनाव होने का राइट right? ध्यान रखिएगा इस बात को अगर कहा जाए कि इट इज एक्सप्लिसिटली मैंशनड

राइट right? इससे पहले भी डिजॉल हो सकती है जो आपको बताया एग्जाम्पल इंदिरा गांधी जी का और एक्सटेंड हो सकती है कि क्या लोकसभा ये तो परमानेंट हाउस है ये तो रहेगा ही रहेगा राइट right? लोकसभा की बात करिए क्या वो एक्सटेंड हो सकता है जी हां, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल नेशनल इमरजेंसी के दौरान अच्छा नेशनल इमरजेंसी के दौरान मैक्सिमम कितने समय के लिए विदाउट इलेक्शन सेम लोकसभा को हम एक्सटेंड कर सकते हैं आंसर इज नो लिमिट नो लिमिट इज मैं एक बार में एक साल आप बढ़ा सकते हो जैसे चार साल चौथे साल में लग गई नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल फिफ्टी टू और आपने एक साल बढ़ा दिया फिर आपने कंटिन्यू रखी फिर एक साल बढ़ा दिया तो ऐसे आप बढ़ा सकते हो कई एक्सपर्ट्स कहते हैं ये स्कोप है भारत में डिक्टेटरशिप आने का हालांकि चेक भी दिए गए हैं इस पर बाय आर जुडिशरी राइट तो ध्यान रखिएगा कि एक बार में एक साल बढ़ाया जा सकता है लेकिन जैसी इमरजेंसी खत्म होगी उसके छह महीने में नया चुनाव आपको कराना पड़ेगा नई लोकसभा को आपको गठन करना पड़ेगा राइट right? सेशन रेसेस किन शब्दों का मतलब समझ लीजिए आप इसको ऐसे समझिए सारा ध्यान केवल यही ले आइए सारे की कवर हो जाएंगे आपके देखिए लोकसभा हो या राज्यसभा हो <coughs> जो लॉ मेकिंग प्रोसेस हो ना होता है ना उसके लिए पहले तो आपको इनको बुलाना पड़ेगा यानी कि आपको सेशन कराना पड़ेगा ठीक है सेशन को कॉल करना पड़ेगा जब सेशन को कॉल करते हैं तो उसको हम कहते हैं समन ठीक है ध्यान रखना समन करने की पावर सेशन को केवल प्रेसिडेंट के पास होती है और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पर करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करता है दोनों में सेम ही है समन समन के बाद एक्चुअली सेशन जो है स्टार्ट होता है जिस डेट से कहा कि समन है तो समन का मतलब अब आएगा अब सभी लोग आएंगे और सेशन स्टार्ट होगा अब सेशन के बीच में जो है मान लीजिए सेशन यहां से समन हो गया इस दिन से स्टार्ट हो गया अब समन के बीच में सिटिंग्स होती हैं वन डे टू डे थ्री डे ऐसे सिटिंग्स होती हैं सिटिंग्स सिटिंग्स का मतलब है कि ये यह यहां पर बैठकर वाकई काम कर रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस ठीक है और सिटिंग के बीच में गैप भी हो सकता है जैसे कि जो लोकसभा है लोकसभा में मान लीजिए सिटिंग शुरू हुई चार दिन की उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने सेशन को कर दिया एडजर्न एडजर्न का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम देकर आपने बोल दिया कि इस पर्टिकुलर टाइम में हम दोबारा सेशन के अंदर सिटिंग को करेंगे तो जैसे टाइम दिया ये तो अब यहां से दोबारा सिटिंग स्टार्ट हो गई

तो सेशन स्टार्ट हो जाएगा यानी कि सिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है तो आपको क्या पता लगा करना जब शुरू होता है उसको हम सिटिंग्स कहते हैं सिटिंग्स के बीच में जो गैप होता है गैप कुछ दिन का भी हो सकता है गैप कुछ घंटों का भी हो सकता है कि भाई मैं इतने घंटे के लिए उसको गैप दे रहा हूँ उसके बाद दोबारा कन्वीन करेंगे तो उसको हम कहते हैं सेशन को एडजन करना एडजर्न करना और सिटिंग को एडजर्न करना शुट, शुट से सिटिंग को एडजर्न कौन करेगा प्रेसाइडिंग ऑफिसर करेगा क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों में रूल लागू होते हैं राइट अब मान लीजिए इन्होंने इन के बाद इन्होंने कहा कि सर हमारा ना सब सारा काम कंप्लीट हो गया है जिस एजेंडा से हम इस सेशन को लाए थे वो एजेंडा हमारे कंप्लीट हो गए तो ऐसे में नाउ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाउस इज गोइंग टू डिक्लेयर एडजर्नमेंट साइन आय एडजर्नमेंट साइन डाय याद करने की ट्रिक बताऊं आपको यहां पर वर्ड है डाय मतलब खत्म तो एडजस्टमेंट साइन डाई में क्या होता है कि टाइम मेंशन नहीं होता नो टाइम इस एडजमेंट में आपने कोई टाइम मेंशन नहीं करा कि कब आप दोबारा सेटिंग को कराओगे क्योंकि सेटिंग दोबारा करनी नहीं है ना आपको आपने ये एडजमेंट का मतलब है आपने कहा सभी सदस्यों से कि भाई देखो अब हमारा काम कंप्लीट हो गया इस सेशन का और हम अब मैं एडजस्टमेंट साइन डाई कर रहा हूं तो ये एक तरीके से इंडिकेशन होता है प्रेसिडेंट साहब के लिए कि भाई इनका काम कंप्लीट हो चुका है तो आप सेशन को प्रोरोक कर दो प्रोरोक का मतलब होता है एंड करना सेशन को तो कौन करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट करेंगे राइट तो आपने देखा कि ये काम भी प्रेसिडेंट ने करा प्रोरोक वाला और समन करने वाला भी यानी कि स्टार्ट और एंड ये प्रेसिडेंट के डिसीजन से हो रहा है और विदिन सेशन जितने भी काम होते हैं वो हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की के ही डिसीजन से होते हैं जैसे लोकसभा का अलग से सेक्रेटरीट होता है उसका हेड कौन होता है लोकसभा स्पीकर राज्यसभा का सेक्रेटरीट होता है उसका हेड कौन होता है राज्यसभा चेयरमैन यानी कि देश के उपराष्ट्रपति तो अंदर के सारे फैसले यहां पर हेड कौन है आपके जो भी ऑफिसर है सेटिंग्स सेटिंग, सेटिंग एडजर्नमेंट एडजर्नमेंट साइंड आय एक और चीज देख लीजिए अब यहां पर कोई सेशन नहीं हो रहा फिलहाल ये वो महीने हैं जिसमें कोई सेशन नहीं हो रहा और फिर दोबारा आपने समन कर दिया सेशन को यानी कि कॉल कर दिया कौन कर रहा है ऑनरेबल प्रेसिडेंट एडवाइस एडवाइस पर के पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ध्यान देना ये दोनों ही काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ये जो गैप है ना जितने भी महीनों का जितने भी दिनों का जो गैप है इसको हम कहते हैं रेसेस यानी कि दो सेशंस के बीच का गैप क्योंकि ये सेशन था लोकसभा राजसभा का ये सेशन मान लीजिए वन था सेशन वन मान लीजिए ये मान लीजिए बजट सेशन था जी हमारा ठीक है और यहां पर ये मॉनसून सेशन आना है ये नेक्स्ट सेशन है मॉनसून तो इनके बीच का जो गैप है इसको हम रेसेस कहते हैं क्लियर है बात अच्छा टोटल कितने सेशन हो सकते हैं यानी कि अगर मैं सेशन की बात करूं तो मिनिमम कितने सेशन होने ही होंगे पर ईयर मिनिमम पर ईयर हाउ मेनी चाहिए नहीं हमारे मैक्सिमम जो गैप हो सकता है दो सेशन में वो छह महीने का हो सकता है मैक्सिम गैप छह महीने का हो सकता है इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में छह महीने से गैप होना नहीं चाहिए ज्यादा उससे पहले आपको एक और सेशन कराना पड़ेगा यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स चाहते थे कि एटलीस्ट दो बार तो जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मिले और जनता के हित में चीजों को डिस्कस करें सवाल उठाए जाएं एग्जीक्यूटिव पर बिल डिस्कस करे जाए पास किए जाए तो दो बार तो मिलना पड़ेगा ही पड़ेगा अबाउट मैक्सिमम तो मैक्सिमम के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं कहा तो इस वजह से इट इज नॉट मैंशन यू कैन से इनफाइनाइट अब आप कहेंगे इनफाइनाइट का क्या मतलब मतलब यह है कि नंबर ऑफ सेशन कितने भी हो सकते हैं प्रेसिडेंट इज गोइंग टू डिसाइड ऐसा क्यों कहा गया ऐसा इस वजह से कि बीच बीच में स्पेशल सेशन की जरूरत पड़ सकती है किसी भी वजह से तो ऐसे में इट इज नॉट मैं राइट कैन बी इंक्रीज्ड अभी जैसे जनरली थ्री होते हैं कैन बी इंक्रीज्ड बेस्ड ऑन दीज सर्कमस्टांसिस राइट अभी इन जनरल वैसे तीन सेशंस होते हैं राइट right. एक तो मानसून सेशन होता है आपका ऐसी आपका विंटर सेशन होता है देन आपका बजट सेशन होता है लेकिन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या है? कि भाई विंटर इज कमिंग विंटर सेशन होगा नहीं ये कोई नाम मेंशन नहीं है ये केवल हम कराते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से लॉजिक के हिसाब से तो इन से पार्लियामेंट राइट क्लियर जस्ट क्लियर तो ये बात तो हो गई आपको बिल्कुल क्लियर ठीक है अब ये बात तो बिल्कुल बेसिक हो गई आपके लिए डिजोल्यूशन का मतलब समझ में आया आपको अब डिजोल्व हो गया तो यानी कि अब ये मेंबर्स अब मेंबर नहीं है अब इनको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा तभी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे ठीक है यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट बना देती है व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑफ प्रोरोगेशन ऑन द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट अरे मेंबरशिप पे क्या इफेक्ट होगा प्रोरोगेशन का प्रोरोगेशन का मतलब होता है सेशन को एंड करना अब जैसे विंटर सेशन को एंड करा तो बाद में उसके बाद आ जाएगा बजट सेशन तो प्रोरोगेशन का मेंबरशिप ऑफ एमपी पे क्या फर्क पड़ रहा है भाई एडजर्नमेंट एडजर्नमेंट का क्या मेंबरशिप पे फर्क पड़ रहा है एडजर्नमेंट तो ये सिटिंग को टेम्पररी हम कह रहे हैं कि अभी हम इतने टाइम बाद आप दोबारा आइएगा राइट इट इज़ अ गैप बिटवीन द सेटिंग ऑफ द हाउस तो एडजस्टमेंट से क्या इंपैक्ट होगा एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन इस पर बनता है वो बनता है इफेक्ट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑन बिल मैं आपको ऐसी ट्रिक आज बता दूंगा कि इसके बाद यहां से कोई क्वेश्चन आपका गलत हो नहीं सकता और यूपीएससी चाहती है कि यहां पर बच्चा ट्रैप हो वही बच्चा करेगा जिसकी क्लैरिटी का लेवल बिल्कुल जबरदस्त होगा लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि आप जो मैं जवाब आपसे मांगूंगा वो जवाब आपको देना पड़ेगा राइट तो यहां तक क्लियर है कि नहीं पहले आप ये बताइए फिर इस क्लियर जस्ट मेंशन क्लियर फिर मैं आपको बताता हूं इसके आगे की कहानी है। <coughs> एक क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम बच्चा ट्रैप होगा आप नहीं होने चाहिए जस्ट मैंशन सुनिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए भाई राज्यसभा डिसॉल्व हो सकती है क्या राज्यसभा तो डिसॉल्व हो ही नहीं सकती राज्यसभा तो परमानेंट हाउस लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो जो क्वेश्चन थीम बनती है वो बनती है कि इसका क्या इंपैक्ट होगा ऑन पेंडिंग बिल्स इंपैक्ट का मतलब यूपीएससी क्वेश्चन में आपसे पूछेगी कि लैप्स हो जाएंगे बिल या नॉट लैप्स लैप्स का मतलब है कि बिल एंड हो गया है खत्म हो गया है अगर दोबारा पार्लियामेंट में आप उस बिल को लाना चाहते हो तो आपको दोबारा उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा राइट तो इसको हम कहते हैं लैप्स नॉट लैप्स जरा सिचुएशन बनाते हैं जितने केस बन सकते हैं सारे बनाते हैं ठीक है चलिए सिचुएशन नंबर मान लीजिए ये लोकसभा है ये राज्यसभा है है, है? और ये प्रेसिडेंट ठीक अगर कोई बिल है वो अभी लोकसभा में मौजूद है राज्यसभा में नहीं गया है इट इज पेंडिंग इन लोकसभा प्रेसिडेंट के पास नहीं गया है और हमारे सारे के सारे जो केसेस हैं वो इस बात पर बेस्ड है कि लोकसभा डिजोल्व हो गई तो इस बिल का क्या होगा लैप्स होगा कि नॉट लैप्स होगा ठीक है आपको आंसर देते रहना है जल, जल्दी जल्दी जवाब देते रहिए लैप्स नॉट लैप्स कम ऑन लेट्स क्लियर ऑल द केसेस इन वन गो कम ऑन लैप्स और नॉट लैप्स लोकसभा डिजोल्व हो गई लोकसभा में बिल पेंडिंग था राज्यसभा प्रेसिडेंट तक तो गया ही नहीं बिल लैप्स होगा कि नॉट लैप्स कम ऑन लैप्स का मतलब बिल एंड अब जब नई लोकसभा आएगी दोबारा से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहीं से प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा बताइए लैप्स या नॉट लैप्स एक ट्रिक बता बता देता हूं आपको ठीक है ये दिमाग में चीजों को बस केवल रिकॉल करने के लिए है लेकिन इतनी सटीक है कि कभी गलत नहीं होगा आप ही मानकर चल लीजिए क्योंकि हमारा दिमाग अजीब चीजें ज्यादा याद रखता है कि जो लोकसभा है ना लोकसभा ही डिजॉल्व हो सकती है लोकसभा को लगा हुआ है श्राप ठीक है और प्रेसिडेंट जो है इनके पास है इम्यूनिटी अगर किसी भी केस में हमारे प्रेसिडेंट को बिल छू गया है प्रेसिडेंट के पास आ गया है ये प्रेसिडेंट को छू गया है तो इसका मतलब ये होगा कि अब इस बिल को इम्यूनिटी मिल जाएगी और वो बिल लैप्स नहीं होगा नहीं तो सब जगह बिल लैप्स होगा इतना तो याद रख सकते हो जैसे कि भाई लोकसभा को तो शराब लगा हुआ है लोकसभा पे बिल पेंडिंग है तो बिल क्या होना है लैप्स होना है तो आंसर क्या होगा हमारा लैप्स, ठीक है सेकंड केस बनाते हैं लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट। बिल लोकसभा से पास हुआ और राज्यसभा के पास पहुंच गया ठीक है और अब लोकसभा हो गई लैप्स, तो बताइए बिल लैप्स होगा कि नहीं होगा लैप्स या नॉट लैप्स? आंसर होगा लैप्स। कारण अरे आपको बताया भाई श्राप लगा हुआ लोकसभा को लोकसभा को टच कर गया बिल इम्यूनिटी राज्यसभा के के तो ये राज्यसभा तक ही पहुंचा है राइट तो यानी कि लैप्स हो जाएगा ठीक है लोकसभा को टच कर चुका है भाई लोकसभा को श्राप लगा हुआ है तो अगर लोकसभा गई तो बिल गया इम्यूनिटी का केवल एक ही रास्ता प्रेजिडेंट सिंपल सी लॉजिक दिमाग में रख लेना याद करने के लिए थर्ड पॉइंट अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कुछ करिए ना कि बिल जो है वो राज्यसभा से स्टार्ट हुआ हो चलो भाई आपकी मान ली लीजिए बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ ठीक है तो बिल ना तो लोकसभा में गया है अब प्रेसिडेंट के पास तो जाने का मामला ही नहीं उठता क्योंकि पहले दोनों हाउसेस से पास होता है तब प्रेसिडेंट के पास जाता है अब इस समय लोकसभा गई डिजोल्व तो बताइए बिल का क्या होगा यह बिल लैप्स होगा कि नॉट लैप्स होगा कम ऑन आंसर देखिए आप जवाब देते रहिए इस क्लास को आप ही चला रहे हैं आंसर होगा नॉट लैप्स कारण हमारा लॉजिक क्या है कि लोकसभा को तो श्राप लगा हुआ है लेकिन बिल तो अभी केवल राज्यसभा में है ना राज्यसभा से स्टार्ट हुआ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा को तो टच भी नहीं किया बिल तो कैसे लैप्स हो जाएगा नॉट लैप्स ठीक है चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं फोर्थ केस मान लीजिए बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था लेकिन लोकसभा में चला गया फिर यहां से पास हो गया और लोकसभा में चला गया अब लोकसभा में डिस्कशन चल रहा था प्रेजेंट्स साहब तो यहां बैठे हैं इम्यूनिटी लेके इन तक तो अभी बिल आया नहीं है तो मुझे बताइए इस बिल का क्या होगा लोकसभा लैप्स होगी तो ये बिल भी लैप्स होगा कि नहीं होगा लैप्स और नॉट लैप्स कम ऑन फास्ट बहुत धीरे हैं आप रिप्लाई बहुत धीरे आ रहे हैं आपका सोचना क्यों है मैं तो मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता टेंशन वाली बात क्या है गला जवाब देंगे सही जवाब यहां पर मिलेगा दिमाग में बैठ जाएगा का रूल है आंसर है आंसर कि यहां पर लैप्स हो जाएगा कारण हमारा क्या लॉजिक याद करने का भाई लोकसभा को श्राप लगाओ लोकसभा को टच कर गया अभी तक इम्यूनिटी तक पहुंचा नहीं है तो बिल क्या हो जाएगा लैप्स हो जाएगा क्योंकि लोकसभा को टच कर गया ना भाई राइट चलिए फिफ्थ केस बस केवल आप मेरा सूत्र याद रखिए गलत हो ही नहीं सकता ठीक है फिर मैं आपको बताऊंगा ये एक्चुअली क्यों बनाया था वाई लॉजिक वॉज मेड मतलब वाई दिस सिस्टम वॉज मेड इसकी एसेंस को भी पकड़ेंगे लेकिन सबसे पहले फुल प्रूफ हो जाए कि कोई क्वेश्चन यहां से आ जाए गलत ना हो नेक्स्ट मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था राज्यसभा में गया था राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास गया था अब प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग था बिल एक्ट नहीं बना भाई एक्ट बन जाता तो हम बिल शब्द ही क्यों यूज करते नहीं लॉजिक अब लोकसभा हो गई लैप्स, बताइए बिल का क्या होगा लैप्स की नॉट लैप्स, आंसर इज सही बता हो आप नॉट लैप्स कारण अरे प्रेसिडेंट के पास इम्यूनिटी है ना टच हो गया बिल तो यानी होगा ठीक है आप कहेंगे सर और कोई तिगड़म वाला केस बताइए हम सारी केस बता देंगे लीजिए एक और केस लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट बिल लोकसभा से चला था राज्यसभा में पहुंचा था यहां से पास हो गया यहां पर डिस्कशन था लेकिन राज्यसभा ने उस बिल को कर दिया होल्ड या तो राज्यसभा मतलब सिक्स मंथ हो गए मान लीजिए डेडलॉक वाली सिचुएशन आ गई है लोकसभा राज्यसभा में सहमति नहीं बन रही इस ऑर्डिनरी बिल को लेकर तो अब क्या होगा तो ऐसे में मान लीजिए ऑर्डनरी अब अगर मान लीजिए सिक्स मंथ्स मतलब चले गए हैं और डेडलॉक वाली कंडीशन आ गई है और डेडलॉक वाली कंडीशन में यहां पर प्रेसिडेंट साहब से एक ज्वाइंट सिटिंग का ऑर्डर आ गया है ज्वाइंट सिटिंग का ऑर्डर आ गया है, है प्रेसिडेंट से दिस पर्टिकुलर बिल तो ऐसे में अब लोकसभा हो गई लैप्स, ज्वाइंट हो ही नहीं पाई ज्वाइंट होती ही, उससे पहले लोकसभा आपको बताया था कि या तो प्रेजिडेंट की इम्यूनिटी के शरण में पहुंच जाए बिल या प्रेजिडेंट को छू जाए कृपा दृष्टि पड़ जाए या तो कृपा दृष्टि हो गई है प्रेजिडेंट की बिल पर तो ज्वाइंट ऑर्डर तो लग गए ना इस बिल पर तो यानी कि यह राइट right. मुझे बताइए कि यह सारी बातें सारे केसेस आपको क्लियर हैं कि नहीं है यस अर नो अब भी गलती करेंगे क्या आई होप इट इज क्लियर राइट क्लियर है अब ऐसा बनाया क्यों गया था उसको समझ लीजिए पर्पज वॉज इफ अ बिल इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एंड दैट लोकसभा गेट कॉन्स्टिट्यूशन इट्सिट्यूशन वॉन्टेड न्यू लोकसभा टू हैव अ चांस टू रीक्रिएट दैट बिल नई लोकसभा गठन हुआ है तो अभी लोकसभा तक ही है मामला तो नई लोकसभा फॉर एग्जाम्पल अभी जो प्रेजेंट लोकसभा इसमें बीजेपी के पास मेजोरिटी है इन्होंने कोई बिल रखा लोकसभा में पास नहीं लोकसभा से लोकसभा हो गई अब नए इलेक्शन के बाद मेजोरिटी तो तो, तो है तो हम चाहते हैं इस बिल को हम स्क्रैच से बनाएं इसमें कुछ चेंजेस करें शुरुआत ही हमसे तो यहां पर होल्ड जो है लोकसभा को दिया जाता है राइट ऐसा बिल लैप्स हो जाता है क्योंकि लोकसभा ही डिजॉल्व हो गई राइट तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो लॉजिक आपको दिया ना लोकसभा को श्राप प्रेजिडेंट के पास इम्यूनिटी इससे जितने भी केस से यूपीएससी ट्रैप बनाने की कोशिश करे आप गलत नहीं करेंगे ठीक है ये ध्यान रखिएगा लॉजिक जो बनाया मैंने तो ये तो आपको बात क्लियर हो गई है डिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है आपको बता दिया मैंने एंड हो गया राइट एंड किस वजह से हो सकती है लोकसभा पाँच साल पूरे हो जाए या फिर खुद ही प्राइम मिनिस्टर कह दें कि डिजोल्व कर दीजिए राइट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर और ये जो सारे केसेस हैं ये तो मैंने आपको बता दिए यहां पर जितने केसेस लिखे हुए हैं इन डी डी बासूम मैंने उससे भी ज्यादा केसेस आपको सारे बता दिए हैं प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है बता दिया आपको टर्मिनेट सेशन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडजर्नमेंट का क्या मतलब होता है इट्स लाइक पोस्टमेंट पोस्टपोन करना सेशन को भी नहीं यहाँ पर वर्ड यूज करना चाहिए बेटर वर्ड है सिटिंग ठीक है ना सेशन की जगह बेटर वर्ड है सिटिंग ये टर्मिनेट पोस्टपोन सेशन से सिटिंग पावर बिलोंग्स टू द स्पीकर चेयरमैन आपको बता चुका हूं टाइम आर डेट मैंने लिखा था ना कि टाइम मैंशन करना पड़ेगा एडजमेंट साइन डाई में टाइम मैंशन नहीं करते इसमें टाइम मैंशन करते हैं ठीक है ना इफेक्ट क्या होगा प्रोरोगेशन का भाई प्रोरोगेशन हुआ है एंड हुआ है सेशन इसका बिल पर कोई इफेक्ट नहीं होता तो पेंडिंग बिल डजेंट लैप्स अगर प्रोरोग हो रहा है क्योंकि जितने भी केसेस मैंने बताए सब डिजोल्व वाले बताए कि जब लोकसभा डिजोल्व हो जाए राइट right? लेकिन जो पेंडिंग नोटिस होते हैं मोशन होते हैं रेजोल्यूशन होते हैं ये लैप्स हो जाते हैं जो नोटिस हैं रेजोल्यूशन है मोशन है वो लैप्स हो जाएंगे लोकसभा में ये लैप्स नहीं होते इंग्लैंड में क्या होता है प्रोगेशन रिजल्ट इन टू लैब्स ऑफ ऑल पेंडिंग मैटर्स इंक्लूडिंग बिल्स वहां पर अलग है और इस वजह से यहां से समझ लीजिए क्वेश्चन बन सकता है आपसे यूपीएससी ये क्वेश्चन यहां पर बना देगी कंपेयर करके वहां पर अगर अगर केवल सेशन भी प्रोरोग हो ना तो भी बिल सारे वहां पर लैप्स हो जाते हैं लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है प्रोरोगेशन से बिल लैप्स नहीं होते है। हमारे यहां ध्यान रखिएगा इस बात को ठीक है केवल डिजोल्यूशन अगर नया चुनावी कराना पड़ जाए अब लोकसभा में तो ही वो केस लगते हैं वाले है qualification क्या है क्या की देखिए होना चाहिए 30 साल minimum age होनी चाहिए साल होनी अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं पच्चीस साल अगर आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं राइट और जो एडिशनल क्वालिफिकेशन हमारी पार्लियामेंट बाई लॉ डिटरमाइन करे उसको भी आप फुलफिल करें जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए एक्ट राइट, राइट? किस केसेस में आपको हटाया जा सकता है फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं आपको कहूंगा कि तीन दिमाग में ना हेडिंग्स रखना एक तो है वो प्रोविजन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है दूसरे है वो प्रोविजन्स जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मैंशन है और तीसरा है एंटी डिफेक्शन लॉ यही तीन तरीके हैं जिसके आधार पर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेंबरशिप को डिसक्वालीफाई उसको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है उसकी मेंबरशिप बर्खास्त की जा सकती है और कोई तरीका नहीं है केवल तीन केसेस हैं मुझे लगता है कि इसमें मजे वाला जो ट्रैप बनता है वो बनता है अगर यहां पर पावर से खेल ले यूपीएससी कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में प्रेसिडेंट कैन एक्चुअली इशू ऑर्डर फॉर डिस्कालिफिकेशन ऑफ एन एमपी स्टेटमेंट वुड बी ट्रू और फॉल्स आंसर वुड बी फॉल्स क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है हाउस का फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में स्पीकर राज्यसभा में चेयरमैन इनको ही पावर होती है रिगार्डिंग डिस्कालीफिकेशन बाकी को नहीं लेकिन right? जो आइडियाज uh, यानी कि जिस बेसिस पे मेंशन है इन कॉन्स्टिट्यूशन या आरपीए वहां पर प्रेजिडेंट का रोल हो सकता है वहां पर इलेक्शन कमीशन का रोल हो सकता है जैसे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के केस में इलेक्शन कमीशन रिकमेंड कर देगा ऑनरेबल प्रेजिडेंट को कि सर हटा दीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ऑर्डर आ जाएगा अनसाउंड माइंड है यानी कि पागल हो गए और ये कोर्ट ने घोषित कर दिया है आप पर उधार इतना हो गया है कि आप अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भी जाएंगे क्योंकि भाई नागरिक होगा वही तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है और जो लॉ बनाए गए हैं बाय पार्लियामेंट अंडर आरपीए यानी कि आरपीए जो कानून है उसके अंतर्गत जो प्रोविजन है उसके बिहाफ पर भी किसी को डिस्कालीफाई किया जा सकता है याद है जैसे थॉमस केस राहुल गांधी जी रिसेंटली ही वॉज डिस्कालीफाइड एज मेंबर मेंबर ऑफ ऑफ लोकसभा पार्लियामेंट तो कैसे हुए क्योंकि आर्टिकल 102 के तहत पार्लियामेंट को पावर है पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया उसमें सेक्शन 8 है सब क्लास 4 है उसके तहत ऐसा कहा गया है कि भाई दो साल से ज्यादा का अगर कन्विक्शन हो जाए तो आप गए दो साल या दो साल से ज्यादा आरपीए को हम अलग से जानेंगे डुअल मेंबर अब देखिए एक तो होता है डिस्कवालीफिकेशन एक होता है वैकेशन वैकेशन का मतलब कि भाई सीट खाली अब सीट खाली किस केस में होगी अगर कोई मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाए और मेंबर मेंबर ऑफ में लोकशाह बन जाए और मेंबर ऑफ राज्यसभा भी बन जाए दोनों का मेंबर बन गया या एमएलए भी बन जाए एम पी भी बन जाए या uh, तो अगर मान लीजिए आप दो हाउसेस के मेंबर हैं तो आपको किसी एक को तो खाली करना पड़ेगा तो उसको हम कहते हैं वैकेशन ठीक है vacation, खाली करना डिस्कालिफिकेशन हो जाए तो भी सीट खाली आपकी रिजाइन कर दो तो सीट खाली एब्सेंस विदाउट इंफॉर्मेशन और साठ दिन तक आप गायब हैं किसी भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में आप शामिल नहीं हो पा रहे हैं और विदाउट परमिशन गायब है तो ऐसे में भी आपको डिस्कालीफाई किया जा सकता है इस केस में भी आपकी सीट खाली हो जाएगी जैसी आपकी सीट खाली होगी तो इस पर बाई इलेक्शन कराया जाएगा दोबारा चुनाव कराया जाएगा ठीक है यहां पर एक इंटरेस्टिंग ट्रैप क्वेश्चन है लोकसभा में इन दिस रिगार्ड यानी कि एबसेंटिज्म केस में अगर किसी को डिस्कालीफाई करना है तो लोकसभा के केस में देर इज अ कमिटी फॉर फॉर दैट बट इन केस ऑफ राज्यसभा द मैटर इज पुट बिफोर हाउस यानी कि कोई अलग से कमेटी नहीं है ये कुछ बारीक वाली डिटेल्स हैं जहां से यूपीएससी ट्रैप क्वेश्चन बना देती है और बच्चा ट्रैप हो जाता है आप नहीं होंगे चलिए आज के सेशन को यहां पर हम रैप करते हैं यहां पर खत्म करते हैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी हुई होगी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेशन में फिर हम आगे से कंटिन्यू करेंगे आपको बता दूं पी ऑप्शनल हमारा थर्टी को क्लोज क्लोज हो रहा है बैच तो यू कैन ज्वाइन इन आप स्टडी आई डॉट कॉम पर जाएंगे तो आपको वहां पर त्यागी लाइव कोड लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको स्टडी आई क्योंकि हर एक कोर्स में मिल जाएगा अगर 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम साथ में 2025 के लिए भी अलग से लॉन्ग टर्म बैच भी है पर ठीक है तो खास बात यह है कि लाइव क्लासेस के साथ साथ दो साल तक आप वीडियो भी देख सकते हैं प्लस पीटूआई बैच में आपके घर पर फिफ्टीन प्लस बुक्स को भेजा जा रहा है जिससे कि आपका टाइम इसमें वेस्ट नहीं होगा कि कौन सी बुक पढ़ू कौन सी नहीं पढ़ू लाइव इंट्रैक्शन है प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मंथन सेशंस हैं एवरी वीक वन सेशन एवरी वीक तो जिससे कि इंटरव्यू रेडी होने के लिए जो बीच में भी जो इश्यूज होते हैं मतलब अगर आपको अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स दे आर सम इश्यूज जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पा रही तो वी हैव मैंटो फॉर दैट एज वेल उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जिससे कि काफ़ी सारे हार्ड वर्किंग टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं वो मोमेंटम नहीं कंटिन्यू कर पाते एक्चुअली और इस वजह से वो कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने वाला होता है लेकिन उससे पहले पढ़ाई को जितनी प्रायरिटीज उन्हें करना चाहिए वो छोड़ देते हैं ऐसा पहले भी हुआ होता है उनके साथ बट उन्हें समझ में नहीं आती प्रॉब्लम क्या है तो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इन मेंटरशिप प्रोग्राम्स में है तो पी टू आई में सब कुछ है बेसिकली तो आप स्टडी आई ट्यू डॉट कॉम पर जाएंगे तो आपको वहां पर ये सेशंस मिल जाएंगे राइट त्यागी लाइव कोड आप किसी भी कोर्स पर लगाएंगे मैक्सिम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा नीचे आपको शशांक त्यागी फोर यू टेलीग्राम ग्रुप शो हो रहा होगा इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर हर जगह में इस एड्रेस पर मौजूद हूँ आप कुछ आ, मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आई एम देयर फिर मिलते हैं ख्याल रखिए वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर ये सीरीज आपको हेल्प कर रही है आप शेयर भी कर सकते हैं